Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine at home. Today we are going to do the revision of Hindi comprehension. Comprehension को हिंदी में अपठित गद्यांश कहते हैं. Okay? So first we read a passage. After that we answer the questions. So पहले हम क्या करेंगे? एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे और उसके बाद उस कहानी से हम अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढेंगे. ओके चिल्ड्रेन, सो यू ऑल आर रेडी, सो लेट्स गो एंड स्टार्ट रीडिंग. बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग, व्हाट इज द डेट टुडे चिल्ड्रेन? टुडे इज 5th of October 2020 एंड द डे इज मंडे एंड वी स्पेल मंडे इज MONDAY मंडे. पढ़ो और लिखो. एंड द टाइटल ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन इज परी. कहानी का नाम क्या है? परी है. ओके, सो यू ऑल आर रेडी. आप सब तैयार हो मैम के साथ रीडिंग करने के लिए. सो हमें क्या करना होगा? पहले अपने पॉइंटर फिंगर निकालनी है और जो भी वर्ड हम रीड करेंगे उसके नीचे पॉइंटर फिंगर रख के रीडिंग करेंगे. ओके चिल्ड्रेन, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. एक झ में बड़ी की मात्रा झी, ल झील, थी एक झील थी. झील का प में आ की मात्रा पा, न में बड़ी की मात्रा नी पानी, न में बड़ी की मात्रा नी ला नीला था. झील का पानी नीला था. झील के पास एक ब ग में छोटी की मात्रा गी या बगिया थी. झील के पास एक बगिया थी. ओके चिल्ड्रेन, सो झील का पानी कैसा था? यू कैन सी इन दिस इमेज, झील का पानी नीला था और उसके पास एक बगिया भी थी. डू यू नो द मीनिंग ऑफ बगिया चिल्ड्रेन? बगिया मीन्स गार्डन. उधर, उधर एक हाथ में बड़ी की मात्रा थी हाथी, रहता था. उधर एक हाथी रहता था. बकर में बड़ी की मात्रा री बकरी, और च में छोटी की मात्रा ची, ड में छोटी की मात्रा डी या चिड़िया भी. रह त में बड़ी की मात्रा ती रहती थी. बकरी और चिड़िया भी रहती थी. सो चिल्ड्रेन, बगिया के पास कौन कौन रहते थे? एक हाथी रहता था, एक बकरी भी रहती थी, और एक चिड़िया रहती थी. र व में छोटी की मात्रा वी वार रविवार का, द में छोटी की मात्रा दी न दिन, थ में आ की मात्रा था रविवार का दिन था. जब दिन, न में छोटी की मात्रा नी कल निकल आया. चिड़िया चह में आके मात्रा हा ई चह चहाई. जब दिन निकल आया चिड़िया चह चहाई. तभी एक पर में बड़ी की मात्रा री परी आई. तभी एक परी आई. परी की
छ, ड में बड़ी की मात्रा डी छड़ी, प में बड़ी की मात्रा पी, ल में बड़ी की मात्रा ली पीली थी। परी की छड़ी पीली थी। उसकी उसकी छड़ी छड़ी। ल ह रम्या की मात्रा रा ई लहराई, उसकी छड़ी लहराई। जब दिन निकल आया तो कौन आई? एक परी आई और परी के हाथ में एक छड़ी थी। वो कौन सी कलर की थी? यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो चिल्ड्रेन, वो पीली कलर की थी। पीली मीन्स येलो इन कलर। ओके। झट झट, म में बड़ी की मात्रा मी, ठ में बड़ी की मात्रा ठी मीठी मीठी, ल में बड़ी की मात्रा ली, च में बड़ी की मात्रा ची लीची, और जम्या की मात्रा जा, म में छोटी ऊ की मात्रा मू, न जामुन, आ गई। झट मीठी मीठी, लीची और जामुन आ गई। फ में छोटी की मात्रा फी, र फिर, सबने सबने, म में छोटी की मात्रा मी, ल कर मिलकर लीची, और जामुन जामुन खाए। फिर सबने मिलकर लीची और जामुन खाए। सो चिल्ड्रेन, जैसे ही परी ने अपनी छड़ी को लहराई तो झट से जामुन और लीची आ गई और सबने मिलकर लीची और जामुन खाए। ओके चिल्ड्रेन, अभी हमने ये पूरा पैराग्राफ जो था उसकी रीडिंग कर लिया है ना। और इस कहानी का क्या नाम है? कहानी का नाम है परी। और इस कहानी में हमने एक झील के बारे में पढ़ा जिसका पानी नीला था। क्या था झील का पानी? नीला था। और झील के पास एक बगिया थी। क्या थी? बगिया। और बगिया का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था, बगिया का मतलब क्या है? गार्डन है। ओके। और उस गार्डन में कौन कौन रहते थे? एक हाथी रहता था, एक बकरी और चिड़िया, ये तीनों रहते थे। कौन कौन रहते थे? हाथी, बकरी और चिड़िया। रविवार का दिन था और जब दिन निकल आया तो चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ आई। आप भी सुनते हो ना, जब सुबह सुबह आप उठते हो तो चिड़ियों की आवाज़ आपको भी सुनाई देती है ना। तभी अचानक से कौन आई? हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है, आप सबको तो स्टोरी बहुत अच्छी तरह से याद है। हाँ, जब चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी तभी अचानक से एक परी आ गई। कौन आ गई? परी। और परी के हाथ में क्या था? एक छड़ी थी, स्टिक थी ना परी के हाथ में। और वो कौन से कलर का था? पीली। पीली मतलब येलो कलर की छड़ी थी उसके पास। उसकी छड़ी जब लहराई तो झट से लीची और जामुन आ गई और फिर सबने मिलकर लीची और जामुन को खाए। आप सबको स्टोरी अच्छा लगा? अभी हम इस स्टोरी में से कुछ क्वेश्चन का आंसर करेंगे जिसमें आपको क्या करना है, रिक्त स्थान दिया गया है और आपको भरना है। ओके चिल्ड्रेन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, कहानी कहानी का नाम डैश है। कहानी का नाम क्या है? ऋषभ, आप मुझे बताइए कहानी का नाम क्या है? यस, वेरी गुड ऋषभ, कहानी का नाम परी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प, र में, ऋषभ र में छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा? यस, वेरी गुड, र में बड़ी की मात्रा, परी। कहानी का नाम परी है। ओके, सेकंड क्वेश्चन,
झ में बड़ी की मात्रा झी, ल झील, का पा, न में बड़ी की मात्रा नी, पानी, खाली स्थान यहाँ पे दिया गया है था, झील का पानी कैसा था? अक्षिता आप बताइए झील का पानी कैसा था? यस वेरी गुड अक्षिता, झील का पानी नीला था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अभी। ओके श्रेया बताइए नीला में बड़ी की मात्रा आती है या छोटी की मात्रा आती है न में? यस वेरी गुड, न में बड़ी की मात्रा नी, ल में आ की मात्रा ला, नीला था, झील का पानी नीला था। उधर एक डैश रहता था, उधर एक डैश रहता था। सिद्धार्थ बताइए उधर एक डैश रहता था? यस वेरी गुड सिद्धार्थ, हाथी रहता था। तो बाला आप बताइए हम हाथी कैसे लिखेंगे? ह में आ की मात्रा हा, लेविन थ में छोटी की मात्रा आएगी या बड़ी की मात्रा आएगी? यस वेरी गुड बाला एंड लेविन, थ में बड़ी की मात्रा थी, हाथी। उधर एक हाथी रहता था। इसी तरह से आप सबको यहाँ पे आपको पूरी अच्छी तरह से पढ़नी है आपको, और इसके बाद ये जो सारे रिक्त स्थान दिए गए हैं आपको भरना है। ओके चिल्ड्रेन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।